जीवन में ऐसे और भी दुख हैं। देखिए ब्रेकअप
संगत और दुख में अंतर क्या है? संगत जिस जो टेम्परेरी है, जिसकी छवि पूर्ति हो सकती है, आज हुआ है कल को कोई और अच्छा है, लेकिन और दुख होता है किसी बेटे का उसकी माँ से अलग हो जाना दुख है। तो पहले तो ब्रेकअप को दुख की कैटेगरी से निकालिए, संगत से टेम्परेरी है, ये बदल जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, समझ रहे? इसको दुख मत मानना। ये जो आपने एंग्जायटी डिप्रेशन की बात कही, हम लोग इसे दुख मान करके इनएक्टिव हो जाते हैं। आप देखते हो कि मुझे बुखार है, मुझे कोविड है, मेरी माता जी एडमिट है, मेरे घर में कोई और एडमिट है, मैं खिलाफ कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं। मुझे ऐसा लगता है ये सब जीवन में चलता रहेगा, तब तक हम इन सब चीज़ों को बहाना लेंगे, आगे बढ़ने से रोक करेंगे। आप क्या करेंगे, बुखार आया और पेमेंट क्लास में सभी पूछता है, आपकी कंसिस्टेंसी इसीलिए बिगड़ती है, इसलिए काला सर, चलो आप छोटे छोटे कारणों की वजह से उसे फिर ब्रेक करते हैं। कुछ भी हो सोच के मैं आधा घंटे पढ़ूंगा, मैं एक घंटे पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ूंगा तो कभी ऐसा नहीं होगा। हेलो सर, वहाँ खाना पीना ये सब चीजें बड़ी बेकार हो गई है। आप देखोगे जब आप किसी साइड के पास जाओगे, मेरे कई दोस्त हैं, तो वो पता सबसे पहले क्या चेक कराता है, आपके शरीर में विटामिन बी और डी की कमी तो नहीं, क्योंकि विटामिन बी और डी दिमाग में स्ट्रेस एंजाइटी ज्यादा होती है यार, रियली। अगर आप अपने खाने पीने या फिर आप एक्सरसाइज करते हो तो कभी भी आपके पास ये सब चीजें नहीं आई, ठीक है? बहुत सवाल हो गया आपके। हेलो नमस्कार सर, हम भी अनेकानी सर से प्रेरित है और नाम है आपका प्रशांत कुमार, बैठे बैठे मौके हो रहे हैं। लगभग डेढ़ साल से हम अनेकानी के पास आए, लेकिन एक कंसिस्टेंसी की बात पाता है, जिसके लिए एक महीना डेढ़ महीना पड़े फिर लगभग दो महीना का गैप हो जाता है। इससे क्या है कि सर हर लेवल लगता था थोड़ा मोटा होता है मतलब था, लेकिन होता है कि पार्टिकुलर चैप्टर में एक अच्छे लेवल का सवाल होता है, उसको नहीं बना पाते हैं, और ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा है और उसके बाद ऐसा लगता है कि छोटे ऐसा मन रखता है उसको सर कैसे दूर करें। बीच बीच आप चले नहीं जाते हैं नितिन बाबू को मुख्यमंत्री बनाने अगर पढ़ा रहे तो उसमें कभी कभी स्कूल का लोड बढ़ जाता है, इसके अंदर सात आठ घंटे स्कूल लग जाता है। मैंने जैसे अभी कहा था कि अगर कंसिस्टेंसी रखनी है तो हर दिन पूरा पूरा काम करें। जैसे मैं जिम का एग्जांपल लेता हूँ कि आप जिम जाएंगे और आप 10 दिन तक गए और फिर आप 11 दिन इसलिए जाएंगे क्योंकि आप 10 दिन तक क्या करोगे, आपके ऊपर एक मेंटली प्रेशर होगा। हम क्या करते हैं कि ब्रेक खुद लेते हैं, आज कम टाइम है आधा घंटे पढ़ लेना, अब आज हिंदी करो पब्लिक, समझ लो। तो वो ब्रेक सिर्फ इसीलिए आता है क्योंकि हम लेते हैं, आपके पास जिस दिन आठ नौ घंटे स्कूल का लोड हो जाए उस दिन सोच लेते हैं एक घंटा पढ़ो, छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर करना है हर दिन। अगर दो चार दिन छोड़ दिए तो कनेक्शन कहीं और मिल जाए। यहाँ पे कितने बच्चे हमारे लिए पटना के बाहर से आए हैं, कहाँ से? सर नेपाल से। सवाल क्या है आपका? Thank you.
रहा है, फिर बदलेगा, फिर बदलेगा सारा जहां जहां अपना होगा, जैसा भी है ये भी उजड़ जाएगा और फिर एक नया सवेरा होगा। उसको माइक दे दो। इसके बाद हमने क्या किया ना, चाय पी के जाएंगे ग्रेजुएट चाय वाली के यहाँ। कितनी चाय बनवा लूं? 3000। पढ़ाई के टाइम पे मैं कभी नहीं करता हूँ और बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। पढ़ते भी हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं। तो क्या कितने मैं पूछे पढ़ाते हैं? हाँ सर। और आपके सेटअप में जान नहीं है, ये तो आपने वाली बाल्टी लगा दी है भागवत का काम है। हाँ।